नमस्कार दोस्तों साथियों, आज विश्व मृदा दिवस है और हमारे क्षेत्र सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र महुआ में आज विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में आज एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, इस गोष्ठी में हमारे महुआ से सहायक कृषि अधिकारी श्री शांतलाल जी जैन साहब, कृषि प्रवेशक धौलपुरा से महावीर वैष्णव, कृषि प्रवेशक महुआ से श्रीमती दिलबर बलाई, कृषि प्रवेशक मांगटड़ा से प्रमोद जी मीणा, कृषि प्रवेशक मनोहर जी मेघवंशी श्यामपुरा, कृषि प्रवेशक मालकाखेड़ा सत्यनारायण जी जोशी और कृषि प्रवेशक श्रीनगर से मोड़ालाल जी धाकड़ और कृषि प्रवेशक मानपुरा से श्री मनीष जी मीणा और कृषि प्रवेशक बीकरण से सुरेश जी कराड़ के द्वारा इस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, विश्व मृदा दिवस के बारे में आज हमारे सहायक कृषि अधिकारी महोदय श्री शांतिलाल जी जैन साहब द्वारा आपको मिट्टी की जांच क्यों करानी चाहिए और विश्व मृदा दिवस की क्या महत्वता है इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो साथियों, प्रस्तुत है आपके सामने ये रिपोर्ट। नमस्कार भाइयों, आज 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में अपनी यहाँ संगोष्ठी रखी गई है। उस संगोष्ठी में मैं आपको बताऊंगा भाई मृदा नमूना लेने के अपने को क्या फायदा है। मतलब जैसे अपने अपन खुद बीमार हो जाते हैं उसी प्रकार अपनी जमीन की मतलब स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए अपने को मिट्टी का नमूना लेना चाहिए और उसकी जाँच करवानी चाहिए। मिट्टी का नमूना अपन कैसे लेवे? मिट्टी के नमूने के लिए मतलब आपको मतलब एक खेत में से 4-5 जगह से आपको मिट्टी का नमूना लेना है। उस नमूना लेने से मतलब क्या होगा कि आपको एक तो पूरी उसके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास व सोडा जो मतलब अपने सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी जांच होकर आपको आ जाती है और कार्ड बन के आपको दिया जाएगा कि आपकी जमीन की मतलब क्वालिटी क्या है, उसमें क्या उसकी कैपेसिटी है पैदावार करने की, तो उसमें 16 तत्वों की जाँच होकर आएगी। उसके अलावा आपके देसी खाद में कार्बन की कितनी मात्रा वो भी जांच होकर आएगी, उसमें मतलब क्षारीयपन कितना है, अम्लीयपन कितना है, वो सारी जांच होकर आपको कार्ड बन के आ जाएगा। तो अब आपको मिट्टी का नमूना कैसे लेना है? एक खेत है उसमें से मतलब आपको 4-5 जगह से मिट्टी का नमूना लेना है। आपको ऊपर की मिट्टी से हटाना है, आपको भी आकार का गड्ढा निकाल खोद के आपको मतलब एक गड्ढे में मतलब उसको मतलब पुरुष के अपने मतलब उसके मतलब दांत कुदाली से एक जगह से मतलब पावर इकट्ठा कर लो। इस प्रकार 5 जगह से इकट्ठा करके उसको एक तगारी में सेल वेल कर लो। उसमें से आपको 4 भाग करने इकट्ठे करके उसको 4 भाग करना है। 4 भाग करने के बाद आमने सामने की मिट्टी हटाते रहो, इस प्रकार करते रहो कि आपकी मिट्टी जब तक आधा किलो न रह जाए तब तक आपको यह प्रक्रिया अपनानी है। उसके बाद मतलब ये आपको मतलब एक थैली में लेके उसमें आपको मतलब खुद का नाम, पिताजी का नाम, गाँव का नाम, खेत का नाम और उसमें क्या आप मतलब फसल क्या बोई करना चाहते हो उस प्रकार पर्चे बना के आपके साथी जी उसमें दे देंगे और 5 रुपये आप देके आपको मतलब आपको साथी जी के देने रहा है, वो आपको मतलब मिट्टी की जांच करवा के कार्ड बना के आपको व्यवस्थित दे देंगे। उससे आपको पता लग जाएगा भाई खेत में कितनी कैपेसिटी है, कितनी नहीं है, क्या उसमें मात्रा देनी है, क्या नहीं देनी है। तो खासकर भाई ये आप मतलब अपने मतलब खेत खाली होते ही आप अपने ग्राम सेवक जी से मिलकर आप उनको मिट्टी का नमूना देवें। जय हिंद, जय भारत।